जो समिट किया है तो उसमें 250 करोड़ की ऐसी संपत्ति का जो पता चला है, लेकिन शिबू सोरेन जी ने अपने क्या 2 करोड़ का संपत्ति उन्होंने दिखाया अपने नाम से। ये और जबकि उनके नाम से 250 करोड़ तो संपत्ति जिसको कहते हैं ना पूरा परिवार की जो लोगों ने इकट्ठा की सब चीज़ों की, बाकी और जांच होगी तो हमें लगता है कि कितना मिलेगा पता नहीं। तो ये जो स्थिति है पूरे प्रदेश, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई ये लोगों ने इस राज्य को सिर्फ लूटने का ही ये लोग काम किया है। जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, जब से ये लोग पावर में आए हैं, जैसे पहले शिबू सोरेन कोयला मंत्री भी थे, उक्सवत की भी कहानी है, कभी हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम बने, कभी सीएम बने, फिर आज सीएम बने। तो ये लोगों ने इस प्रदेश को लूटने का ही काम किया है पूरी तरह से। इसके बाद ये सारे संपत्ति इतने खड़ी हुई है अटालिकाएं इनकी इतनी बड़ी, और उसमें भी मैं कह सकता हूँ कुछ एक संपत्ति के तो मैं बेनामी संपत्ति मैं जानता हूँ, क्योंकि किसी और के नाम से है लेकिन उनके घेरे में वो सारे प्रॉपर्टी है इस प्रकार। तो इस प्रकार के पूरे राज्य में या बाहर भी कितनी सारी प्रॉपर्टी इनकी होगी ये तो जांच का विषय है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जब हाई कोर्ट में प्यायल होता है तो बड़े बड़े लॉयर को लाते हैं कि भाई इनको डर इसलिए होता है कि जांच होगा तो पकड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वहाँ बड़े बड़े लॉयर को ले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन में या लोकपाल में। तो ये इसलिए करते हैं तो कि वो चाहते हैं कि जांच होगी तब तो हम पकड़े जाएंगे, जांच नहीं हो इसके लिए कोशिश करते। भाई अगर आपने कोई गलत नहीं किया, आपने कोई लूटा नहीं, आपने कहीं कोई इलीगल तरीके से आपने धन को इकट्ठा नहीं किया है तो फिर आप डरते किस बात की है? जो भी जांच आपसे लोग मांगते हैं आप दे दीजिए, जांच हो जाएगी, आपका क्लियर हो जाएगा। जितने आपने प्रॉपर्टी खड़ा किया उसका रिसोर्स आप बता दीजिए, आपने कहाँ कहाँ से इतनी पैसे लाए और इन सारे प्रॉपर्टीज को आपने खड़ा किया।